हमनियो पर ध्यान मान देवे तनी तर मुआ डूब डुबले बा ठीक है। बीते 1 अगस्त को कटिहार जिले के पोठिया थाना अंतर्गत पोठिया वार्ड 9 में एक सिरफिरे आशिक ने अपने प्रेमिका की सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिस संबंध में प्रेमी अमोद कुमार पिता सुखारू मंडल साकिन पुरानी नंद गोला थाना टीकापट्टी जिला पूर्णिया के विरुद्ध पोठिया थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से आरोपी फरार था। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि अमोद कुमार टीकापट्टी पुल के पास है और कहीं बाहर भागने के फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी ने झगड़ा होने के बाद अपनी प्रेमिका का आपत्तिजनक फोटो वायरल कर दिया था, जिस पर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जेल से बाहर निकलने पर युवक गवाही न देने के लिए दबाव बना रहा था, मगर जिस दिन कोर्ट में गवाही देनी थी उसी रात गोली मारकर हत्या कर दी थी। कटिहार से सिटी हलचल न्यूज के लिए राजशेखर जायसवाल की रिपोर्ट। ये 8वें महीने में पोठिया थाना में अंजलि नाम की लड़की की हत्या हो गई थी। ये घटना जो थी वो पोठिया वार्ड नंबर 9 में हुई थी, जिसमें हरिमोहन मंडल की जो बेटी थी अंजलि, उनको उसके कथित जो प्रेमी था अमोद कुमार पिता सुखारू मंडल, उसके द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो उसी सूचना के बाद से हम लोगों ने एक स्पेशल टीम बनाई थी जो छापेमारी लगातार कर रही थी, और जो उसका घर था पूर्णिया में टीकापट्टी पुल, उसी के पास से सूचना प्राप्त होने पर हम लोगों ने उसको गिरफ्तार किया है। और उसकी निशानदेही में जो घटना में कट्टा यूज़ हुआ था और कुछ खोखा और लाइव जो एम्यूनिशन है वो भी हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें जो अभियुक्त है उसके साथ उसके दो और साथी इन्वॉल्व थे, जिसके बारे में उसने नाम बताया है, और उनके विरुद्ध भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। अभियुक्त के हिसाब से ये घटना इस कारण से हुई कि उसका जो मृतका थी उसके साथ पहले प्रेम संबंध था, दोनों काफ़ी साथ में थे, और अभियुक्त के द्वारा एक वीडियो उसका बना लिया गया था, जिसको लेकर दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था। बाद में वो वीडियो वायरल भी हो गया था, और जो मृतका थी उसके द्वारा फिर अभियुक्त के विरुद्ध केस दर्ज कर दिया गया। तो वो केस लगभग लास्ट स्टेज पर ही था, तो अभियुक्त ने उसी फ्रस्ट्रेशन में आकर मृतका की हत्या कर दी थी। तो अब ये केस ऑलमोस्ट हम लोगों की तरफ से ओवर होने की तरफ है। मेन अभियुक्त और घटना प्रयुक्त हथियार हम लोग को मिल चुका है, जिसकी अब हम लोग जांच के लिए फसल भेज देंगे, और जो बच्चे हुए दो अभियुक्त हैं जो उसके साथी हैं उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी कर ली जाएगी। प्रेम प्रसंग का भी मामला? हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि इनिशियली इन दोनों में प्रेम प्रसंग था, दोनों साथ में थे, बट उसी क्रम में इसके द्वारा कुछ ऐसे वीडियोज़ बनाए गए जो कि प्राइवेट नेचर के थे, और बाद में दोनों में कन्फ्यूजन होने के बाद उसको लीक कर दिया गया, जिससे मृतका शुद्ध रही और उसने फिर केस किया। उस केस से ये क्रोधित होकर इसने फिर ये घटना को अंजाम दिया। सर, ये भी कहा जा रहा है कि लास्ट गवाही था महिला का उस दिन? हाँ, जैसे हम वही बता रहे हैं कि केस ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे ही था, तो इसी को लेकर फिर उसने प्लान किया कि इसकी हत्या की जाए, और इसके साथियों ने इसमें मदद करी थी, उन्हीं के द्वारा इसको हथियार भी प्रोवाइड किया गया, तो जिनका नाम इसने बताया है उनके विरुद्ध छापेमारी करते हुए जल्दी गिरफ्तारी। सर, तीन लोगों ने मिलकर ये घटना अंजाम दिया, इसमें गोली सर किसने चलाई, इसने चलाया या उन दोनों ने चलाया? गोली इसके द्वारा चलाई गई थी। तो क्या इसके आपराधिक इतिहास भी कुछ रहा है? नहीं, इसका अभी कोई आपराधिक इतिहास हम लोगों की नॉलेज में नहीं है। सर, प्रेमिका का दूसरे के साथ अवैध संबंध भी है? इसके बारे में कोई ठोस हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिससे हम ये कह सकें कि किसी और के साथ है या नहीं है। अभी इस केस में यही था कि दोनों का रिलेशन था। इस फेस्टिव सीजन को दें नई रौनक द बिग शॉप के साथ। हमारे न्यू कलेक्शन से शॉपिंग करें मेंस, वुमेन्स, किड्स वेयर, फुटवेयर, सूटिंग शर्टिंग के बेहतरीन ब्रांड्स। द बिग शॉप, कालीबारी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।